नाउ अब जो जो सबसे कॉमन तरह का रिलेशनशिप है जो आपको ईआरडी में मिलेगा द मोमेंट यू यू नो यू प्रैक्टिस इट दैट वुड बी वन टू मैनी अब वन टू मैनी का बेसिक मतलब ये है कि दो एंटिटीज के दरमियान पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो एंटिटी ए पेरेंट भी हो सकती है एंटिटी बी भी, भी पेरेंट हो सकती है लेकिन कोई एक एज अ पेरेंट एक्ट करेगी और कोई दूसरी एंटिटी एज अ चाइल्ड एक्ट करेगी आसान लफ्जों में इससे मुराद ये है कि पेरेंट जो टेबल है उसके एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में मल्टी जीरो या मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे तो इस सिचुएशन को हम लोग वन टू मैनी कहते हैं वन वाले टेबल की प्राइमरी की जो कि पेरेंट टेबल है और अब ये रूल है इसको मैं और आप वेट नहीं कर सकते जब मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल है इससे मुराद ये होता है कि जब हम इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रूल के वाले टेबल की जो प्राइमरी की है वो वाले टेबल में एज फॉरेन की आएगी एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि जी जो फॉरन की है वो तो खुद ही आ जाती है फॉरन की खुद नहीं आती फॉरन की को हमें क्रिएट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन तो जो एंटिटी बी के जितने भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमें फॉरन की एडिशनली लिखनी पड़ती है तब जाके फॉरन की बनेगी एट द कोडिंग लेवल अदरवाइज नहीं बनेगी तो द रूल विच कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की मैनी वाले टेबल में एज अ फॉरन की आएगी और ये रूल है इसको हम लोग मिस आउट नहीं कर सकते सो जस्ट ट्राई टू आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है पैसेंजर की जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन अब मैं ए बी नहीं यूज़ कर रहा मैं जानबूझ के एक्चुअल एंटिटीज के नाम यूज़ कर रहा हूं ताकि हम जब एक्चुअल सिनेरियो हम डिस्कस करें तो यू शुड नॉट बी टेकन बाय सरप्राइज के ये एकदम ए बी से कैसे एकदम एंटिटीज के नाम आ गए तो अब मैं जानबूझ के डिस्कशन में स्पेसिफिक एंटिटीज के नाम यूज कर रहा हूं तो फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी है पैसेंजर और लेट सपोज एक एंटिटी है टिकट अब किसी भी एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में या टिकटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में जो पैसेंजर है द पैसेंजर विल बाय वन और मोर टिकट तो वन और मोर है तो इसकी जो ऑप्शनलिटी है वो हो गई सॉलिड क्योंकि जो पैसेंजर उस वक्त तक वैलिड पैसेंजर नहीं है जब तक उसके पास कम अज कम एक या एक से ज्यादा टिकट मौजूद नहीं है जब मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा टिकट है तो इससे मुराद है कर्नलिटी अब इसको अगर मैं रीड आउट करूंगा ना तो आसान इंग्लिश इसकी ये होगी कि पैसेंजर विल हैव वन और मोर टिकट्स और जो टिकट है टिकट हमेशा एक ही पैसेंजर को बिलोंग करेगी और ये लॉजिक है यानी हो सकता है आपके स्नैरियो में ये चीज गिवन ना हो तो आपको यहां पर थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि टिकट दो पैसेंजर को बिलोंग नहीं कर सकती बिकॉज इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट अगर एक सीट नंबर यूं समझे कि एक सीट नंबर दो पैसेंजर को हमने सेल आउट कर दी तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इससे मुराद ये है कि टिकट जो है वो एग्जैक्टली exactly एक पैसेंजर को बिलोंग करेगी मतलब यहां पे अगर मैं मैनी का साइन लगा दूंगा ना तो इट विल बी रॉन्ग ये गलत होगा क्योंकि अगर अगर मैनी का साइन लगाएंगे तो उससे मुराद ही होगी कि वन टिकट कैन हैव मोर पैसेंजर विच इज रॉन्ग एक्चुअली तो अगर ये मैनी का साइन नहीं है जो कि सही बात है नहीं है तो उस केस में एक टिकट एग्जैक्टली एक पैसेंजर को बिलोंग करेगा तो ये दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है अब मैं दो एट्रीब्यूट एड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पैसेंजर आई डी है पैसेंजर नेम है और यहां टिकट नंबर है और लेट सपोज सीट नंबर है फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि दोनों के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशनशिप है और ये जो पी आई डी है ये इस टेबल की प्राइमरी की है और टिकट नंबर टिकट टेबल की प्राइमरी की है अब ये दोनों के दरमियान क्योंकि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है तो वन टू मैनी के रिलेशनशिप में मैंने आपको अभी रूल बताया था कि वन वाले टेबल की प्राइमरी की यानी दिस वन दिस प्राइमरी की वन वाले टेबल की प्राइमरी की को मुझे टेबल बी में जो कि टिकट का टेबल है यहां पे एज अ फॉरेन की लिखना पड़ेगा यानी दिस हैज टू बी रिटर्न हेयर एज अ फॉरन की अदरवाइज ये गलत हो जाएगा ये जो फॉरन की यहां पे हम लिख रहे हैं ना पी को इन एडिशन टू ऑल दो एट्रीब्यूट जो कि टिकट में मौजूद हैं अभी टिकट में मैंने सिर्फ दो एट्रीब्यूट लिखे हैं टिकट नंबर एंड सीट नंबर जट सपोज अगर तीन चार एट्रीब्यूट और होते जितने भी एट्रीब्यूट हैं टिकट के उसके बाद मुझे फॉरन की लाजमी लिखनी है अब इस फॉरन की को मैं प्राइमरी की का पार्ट बनाता हूं नहीं बनाता इसके लिए वन टू मैनी में कोई रूल नहीं है यानी ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दूं तो अब ये कॉम्पोजिट प्राइमरी की का पार्ट बन जाएगा यानी टिकट के टेबल में टिकट नंबर एंड पैसेंजर आईडी डी मिला के प्राइमरी की का पार्ट बन जाएंगे लेकिन प्राइमरी की अभी भी एक ही होगी लेकिन उसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो दो हो जाएंगे लेकिन ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ यह डिस्कस कर रहे हैं कि वन टू मैनी केस में वन वाले टेबल की प्राइमरी की को आपको यहां पे मैनी वाले टेबल में जो कि टिकट वाला टेबल है एज अ फॉरन की लिखना है वट डज इट ट्रांसलेट टू आसान लफ्जों में फॉर एग्जाम्पल यहां पैसेंजर आई डी है टू है थ्री है जब और यहां पर टिकट आई डी है टू है थ्री है तो जो ये पैसेंजर आईडी है क्योंकि अब यह फॉरेन की है तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है मतलब रिपीट हो सकता है अगर फॉर एग्जाम्पल ये रोज है हमारे पास तो इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान है कि अभी गिवन सिनेरियो में पैसेंजर आई डी वन ने दो टिकट परचेज किए हुए हैं टिकट आई डी वन एंड टिकट आई डी टू और जो पैसेंजर आई डी टू है उसने एक टिकट परचेज किया हुआ जो कि टिकट आई डी थ्री है और जो पैसेंजर आई डी थ्री है इसने कोई भी टिकट परचेज नहीं किया हुआ इसकी इंटरप्रिटेशन ये है फाइन क्योंकि मैंने यहां पे जो पीआईडी है उसको कॉम्पोजिट की का पार्ट नहीं बनाया या समझे मैंने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया अगर बनाया होता जस्ट ऑफ़ डिस्कशन अगर बनाया होता तो अभी भी कोई गड़बड़ नहीं है रीजन कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की के अंदर सिंपल हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता यानी वन टिकट नंबर पैसेंजर आई डी वन एज अ होल नहीं आ सकता इंडिविजुअल वैल्यूज कैन भी रिपीटेड यानी अभी सही है ये. उस वक्त होगी जब लेट सपोज में इस टू को यहां पर क्योंकि ग्रुप रिपीट नहीं हो सकता टिकट आईडी वन अब पैसेंजर आई डी वन एज अ ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की अलाउ नहीं करेगी तो वट आई ट्राइंग टू कन्वे इस आपने वन टू मैनी में जो फॉरन की है उसको कॉम्पोजिट की यानी प्राइमरी की का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना इसमें कोई रूल नहीं है दिस विल बी ड्रिवन फ्रॉम योर रिक्वायरमेंट्स लेकिन मैनी वाले टेबल में टिकट वाले टेबल में आपने फॉरन की लिखनी है जो कि पैरेंट टेबल की प्राइमरी की है ये रूल का पार्ट है